हेलो बच्चों, लेट सी दिस क्वेश्चन. जेनेटिक फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद. ओके, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जेनेटिक फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद. ऑप्शन ए इज सिनर्जिड, ऑप्शन बी इज ऊस्फेयर, ऑप्शन सी इज सेंट्रल सेल, ऑप्शन डी इज एंटीपोडल सेल. सो जेनेटिक फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व, सबसे पहले हमें यहां पर पता होना चाहिए जेनेटिक फर्टिलाइजेशन इज द ट्रू फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन का ट्रू इवेंट है ये जेनेटिक फर्टिलाइजेशन, आपका ट्रू फर्टिलाइजेशन या ट्रू सिंगैमी भी हम इसको लिख सकते हैं यहां पर. ठीक है, अब होता क्या है इसमें, जो मेल गैमीट होता है, आपका जो मेल गैमीट है, ये मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग अपैरेटस है उसके अंदर जो एग सेल है, या इसी को हम क्या कह देते हैं, आपका फीमेल गैमीट भी कह सकते हैं, फीमेल गैमीट, या इसको आप क्या कह सकते हो, ऊस्फेयर भी कह सकते हो. क्या कह सकते हो आप इसको, ऊस्फेयर. सो बहुत सारे टर्म्स हैं इसके, इसी को हम कह देते हैं ऊस्फेयर. अब इसकी प्लॉयडी एंड, इसकी प्लॉयडी एंड क्या बन गया आपके पास, डिप्लॉयड टू एन स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कह देते हैं, जाइगोट बोल देते हैं. तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है जेनेटिक फर्टिलाइजेशन या ट्रू सिंगेमी के अंदर जो आपका मेल गैमीट है, ये मेल गैमीट आपका किसके साथ फ्यूज कर लेता है, ऊस्फेयर के साथ या आपके फीमेल गैमीट के साथ. सो स्टूडेंट्स, द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऊस्फेयर. बेस्ट ऑफ लक.